नमस्कार सक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका में सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। एक और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है तो दूसरी ओर एक दिन पहले ही देश के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए अली साबरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की अगुवाई में असंतुष्ट सांसद सरकार से हट गए हैं जिससे श्रीलंका सरकार अल्पमत में आ गई है। रिपोर्टें हैं कि पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की अगुवाई में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के असंतुष्ट सांसदों ने सत्तारूढ़ श्रीलंका पी कोदुजाना पेरामुना गठबंधन का दामन छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन के 41 सांसद अलग हो गए हैं क्योंकि देश में राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह फैलता जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद देश की 225 सदस्यीय संसद ने आज अपने पहले सत्र का कामकाज शुरू किया जहां सत्तारूढ़ गठबंधन में बिखराव सामने आ गया। असंतुष्ट सांसद उदय गमन पिला ने इस बारे में कहा है कि सरकारी बजट पर मतदान के दौरान गठबंधन के पास 225 सांसदों में से 157 का समर्थन था लेकिन अब 50 से 60 सदस्य इससे अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने न सिर्फ 2/3 बहुमत खो दिया है बल्कि सामान्य बहुमत जो 113 है उसे भी गंवा दिया है। हम आपको बता दें कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों को प्रस्तावित एकता सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था जिसे खारिज करते हुए विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के न्योते को ढकोसला करार देते हुए अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रपति हालांकि अपना इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं लेकिन कहा है कि यदि विपक्षी गठबंधन अपना बहुमत दिखा दे तो वह उसे सत्ता सौंप देंगे। इस बीच श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने भाई बेसिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद उन्हें नियुक्त किया था। अली साबरी ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा है कि उन्होंने एक अस्थायी उपाय के तहत यह पद संभाला था। अली साबरी ने पत्र में कहा, हालांकि विचार विमर्श करने और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब मेरी महामहिम को सलाह है कि अभूतपूर्व संकट का सामना करने के लिए नए और सक्रिय उपाय किए जाएं और इस समय एक नए वित्त मंत्री की नियुक्ति सहित अपरंपरागत कदम उठाए जाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और जनता महंगाई तथा आपूर्ति में कमी के चलते महीनों से परेशान है। आर्थिक संकट के कारण लोग घंटों बिजली की कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करने को मजबूर हैं। विदेशी मुद्रा संकट और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने में अक्षम रहने के कारण सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जनता सड़कों पर उमड़ रही है और राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रही है। इस बीच श्रीलंका में अब दवा की भारी कमी होने लगी है जिसको देखते हुए देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं अब केवल इमरजेंसी केस को प्राथमिकता देंगी। माना जा रहा है कि अगर मौजूदा आर्थिक संकट जारी रहा तो दवाओं की कमी बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है। कोलंबो में तो हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि स्ट्रीट लाइट्स तक बंद करनी पड़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि बिजली बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने पूरे हाईवे की लाइट बंद कर दी ताकि आपात स्थिति के लिए कुछ इंतजाम किया जा सके। महंगाई का आलम यह है कि खाने पीने की चीज़ें 1000 रुपये किलो तक बिक रही हैं। इस बीच श्रीलंका में पर्यटन सीजन होने के बावजूद वहां आने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करा दी है और जो वहां फंसे हुए हैं वह भी जल्द से जल्द निकलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बार बार की बिजली कटौती, खाने पीने के वस्तुओं की कमी और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के बाद अब दवा भी नहीं मिल रही है। इस बीच भारत श्रीलंका के हालात पर नज़र बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर सोमवार शाम विस्तृत रिपोर्ट दी है। श्रीलंका में भारत हर तरह की मानवीय सहायता भी पहुंचा रहा है। भारत ने चावल और डीजल की बड़ी खेप श्रीलंका भेजी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी श्रीलंका को की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।